हाय ऑल, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि जो हम लोग का शून्य है उसमें हम लोग को पार्ट टू करना पड़ता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो शून्य का लॉग इन है वो हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली हम सुबह एक बार लॉग इन करेंगे और जो उसका एक्सेस टोकन है वी कैन यूज़ इट फॉर द होल डे। तो उसका प्रोसेस है, उसका मैं अब आपको प्रोसेस दिखाने वाला हूँ क्या करना है। सबसे पहले मेरा दिस इज द मेन फोल्डर, जो शून्य 1 2 3 करके आपको फोल्डर दिख रहा है वो एक मेन फोल्डर है जहाँ पर मैंने अपनी ये TFU क्लास 2 सी डाली हुई है। बट अब मैं इसको कैसे यूज़ करने वाला हूँ एंड व्हाट विल बी द चेंजेस। सबसे पहले आपको अपने इसमें आईडेंटिटी में लेफ्ट साइड में VENV फोल्डर ढूंढना है। तो जैसे मेरे में VENV फोल्डर दिख रहा है मेरे को, इसको मैं फुल करूँगा, फिर मैं साइट पैकेजेस के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर मेरे को नॉरेन करके नाम मिलेगा। नॉरेन ये तभी मिलेगा अगर आपकी जो शून्य की इंस्टॉलेशन है कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हुई है आपकी तो नहीं मिलेगा। सो अब मेरे को यहाँ पे मिल गया है नॉरेन रेस्ट API PY। मैं इसको फिर से खोलूँगा और यहाँ पर जो ये नॉरेन API.PY करके फाइल है मैंने उसको कॉपी किया। तो नॉर्मल कंट्रोल सी कर लिया मैंने, कंट्रोल सी करके या फिर आप राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं। और कॉपी करने के बाद जो मेरा मेन फोल्डर है जहाँ पर मैंने अपनी सारी फाइलों को डाला हुआ है मैं उसको क्लिक करूँगा और यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट दबा दूँगा। यहाँ पर ओके दबाने का ऑप्शन आएगा, मैं ओके दबा दूँगा और आप देखेंगे कि यहाँ पर अब ये नॉरेन API खुल चुकी है। सो दिस इज़ द फाइल, आप उसको बंद करके फिर से खोल लीजिए जाए तो ये मेरी अब यहाँ फाइल खुल चुकी है। अब इस फाइल में भी कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं आपको एक एक करके चेंजेस बताता हूँ। सबसे पहले आप थोड़ा, और हाँ हो सकता है कि ये चेंजेस थोड़े ऊपर नीचे हो जाए बिकॉज डिपेंडिंग ऑन कि आपने कब इंस्टॉल किया है। बट आपको बेसिकली इस तरह का एक फंक्शन दिखेगा जहाँ पर लिखा होगा def_init, इस तरह का नाम होगा। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है कि ये जो तीन, अगर मेरे में तीन लिखे हैं आपके में हो सकता है केवल दो ही लिखे हों, तो वो आपको हटा देना है, केवल सेल्फ को छोड़ देना है। और उसके बाद राइट साइड में जो ये वैल्यू है होस्ट वेब सॉकेट और EOD होस्ट, अगेन हो सकता है आपके में केवल दो ही ऑप्शन दिख रहे हो बट आप वो जो जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं वो आप यहाँ से उठा लीजिए। तो अगर होस्ट की अगर मैं वैल्यू देखूँ तो होस्ट की वैल्यू मैं अपनी TFU क्लास उसी उठा रहा हूँ, कंट्रोल सी किया मैंने और यहाँ पर मैंने होस्ट में पेस्ट कर दिया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब मैं पेस्ट कर रहा हूँ मैं इसके साथ पेस्ट कर रहा हूँ, मतलब ये इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, फिर मैंने वेब सॉकेट को उठा लिया। एंड अगर आपके में EOD होस्ट दिख रहा है तो आप EOD होस्ट को भी ले लीजिए, अगर नहीं दिख रहा तो आप छोड़ सकते हैं उसको। ये करके मेरा पहला काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको तीनों चीज़ें नहीं दिख रही इनमें से कोई एक दो चीज़ मिसिंग है आप उतना ही करेंगे, जो एक्स्ट्रा है उसको नहीं करेंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो हमने किया है। उसके बाद हम थोड़ा और नीचे आएंगे, अराउंड आई थिंक 250, लाइन नंबर 250 के आसपास देखेंगे अगर आप, या तो आपको इस तरह का एक मिलेगा। लेट मी ऑल्सो चेक इफ दिस इज़ द राइट वन। यहाँ पर आपको कहीं मिलेगा अराउंड 254, 2 या 244 के आसपास आपको जाना है और वहाँ पर अब हमें तीन चीज़ें ऐड करनी है। बेसिकली ये लॉग इन, हाँ डेफ लॉग इन के अंदर ही हमें आना है, डेफ लॉग इन, एंड इन डेफ लॉग इन हमें अब चीज़ें ऐड करनी है। इस लाइन के नीचे बेसिकली जो डेफ लॉग इन है वो एकदम उसके एंड में आ जाइए और रिटर्न से पहले आप आ जाइए और यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी होंगी। तो आप इसी लाइन के नीचे ऐड करेंगे टैप करने के बाद, एफ इज इक्वल टू ओपन, यहाँ पे एक शून्य की लिख दीजिए, शून्य की .txt कॉमा w, फिर लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में एफ डॉट राइट ओपन ब्रैकेट, फिर रेस डिक्ट, इसी तरह से लिखना होगा, कैपिटल D होना चाहिए बीच में, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, ये इन्वर्टेड कॉमास, और फिर लिखेंगे एस यूज़र टोकन एंड फिर एफ डॉट क्लोज ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। तो ये हमने अपना सेकंड काम कर दिया है और अब हमारे को इसके बाद एक फंक्शन भी बनाना है। तो मैं इसी के नीचे एक फंक्शन बना देता हूँ, डेफ टोकन सेटर ओपन सेल्फ, ये अपने आप ही आ जाएगा सेल्फ लिखा हुआ, एंटर करिए। अब तो आपको लिखना है टोकन इज इक्वल टू ओपन
ये जो आपने नाम ऊपर लिखा है सेम नाम आपका आना चाहिए, शून्य की डॉट टेक्स्ट। इसमें कॉमा आर लिखना है, कॉमा आर डॉट रीड डॉट आर स्ट्रिप, फिर सेल्फ डॉट अंडर स्कोर अंडर स्कोर एस यूजर टोकन अंडर स्कोर नहीं सॉरी इसके बाद इक्वल टू टोकन, फिर से सेल्फ डॉट अंडर स्कोर अंडर स्कोर यूजर नेम। ये जो भी आपका यूजर नेम है, जैसे मान लीजिए एफ ए 1234 जो भी आपका यूजर नेम है वो डाल दीजिए, फिर सेल्फ अंडर स्कोर अंडर स्कोर सॉरी सेल्फ डॉट अंडर स्कोर अंडर स्कोर पासवर्ड, जो भी आपका पासवर्ड है वो यहाँ लिख दीजिए, मान लीजिए जो भी आपका पासवर्ड है, और फिर से एंटर सेल्फ डॉट अकाउंट आई डी, और यहाँ पर हमें फिर से यही वाला जो यूज़र नेम हमने डाला है वो फिर से यहाँ डालना है, राइट। तो इतनी चीज़ें आपने कर दिया है, इसको सेव कर लीजिए ऑटोमेटिक सेव, अगर नहीं होता तो कंट्रोल एस कर लीजिए, और आपका अब कंप्लीट हो चुका है सेटअप। सो बेसिकली अब क्या होगा कि हमें बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं होगी, हमारा सिंगल लॉगिन से ही पूरे दिन काम चल जाएगा। थैंक यू। आप इसको बंद कर सकते हैं, येस ऑब्वियसली आप इसको बंद कर सकते हैं, यू कैन जस्ट क्लोज दिस नाउ, एंड अब आपकी जो फाइलें हैं TFU Class 2C वाली उसमें आप यूज़ करके आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। थैंक यू।